ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा विदेशन प्रयोग जिससे कि आप किसी को भी एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। षटकर्मों में विदेशन का एक अपना ही महत्व है। मैंने आज तक विदेशन के बहुत ही कम मंत्र बताए हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग संभवतः हो सकता है। अतः विदेशन जो क्रिया है ये सोच समझकर करनी चाहिए। विदेशन में आप किसी भी जोड़े को दूर कर सकते हैं। अब क्वेरीज बढ़ रही हैं कि विदेशन क्रिया के बारे में बताइए और किन्हीं दो को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र कारगर रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मंत्र जिससे कि आपके दांपत्य जीवन में यदि कहीं से भी किसी भी तरह की अड़चन आ रही हो, कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो टांग अड़ा रहा हो, तो इस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। आपको करना ये है कि सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ कनेक्शन है, किसी और के साथ वो संबंध बना रहे हैं या फिर उनके पास जा रहे हैं। तो यदि आप कंफर्म है कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद इस क्रिया को कीजिएगा। इस क्रिया से आप किसी को भी अलग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने शुरू हो जाते हैं और ऐसे में जो हमारी माताएं बहनें हैं ये कुछ नहीं कर पाती। तो इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये जो प्रयोग है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस प्रयोग को कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि जो भी तीसरा व्यक्ति था वो जैसे आया था बिल्कुल वैसे ही दबे पाँव चला जाएगा। चाहे कितनी घनिष्ठ मित्रता क्यों ना हो, फिर भी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। ऐसा मैंने लाखों लोगों पर आजमाया है और उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही गूढ़ तंत्र प्रयोग है जो कि अपना काम किए बिना खाली नहीं आता। तो आपको करना क्या है कि जो मैं ये मंत्र दूंगा, इस मंत्र का किसी भी शुभ मुहूर्त में 10,000 बार आपको इसका जाप कर लेना है। जाप करके इसे सिद्ध कर लीजिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ऐसा पावन पर्व जब आए तब इसको आपको जप लेना है 10,000 की संख्या में। और ये जो है ये शाबर मंत्र है। आपको पता होगा कि जब माँ भगवती को भोलेनाथ तंत्र की दीक्षा दे रहे थे, जब उनसे वार्तालाप हो रही थी, उस समय पर मछली के रूप में गुरु वशेंद्र नाथ जो हैं वो वहाँ पर चुपके से सारी बातें सुन रहे थे। और उस समय भगवान ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया था, लेकिन जिज्ञासावश माँ भगवती ने पूछा कि यदि आपने मंत्रों को ऐसे ही कीलित कर दिया तो मानव जाति का कल्याण कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने ये जो मंत्र है ये माँ भगवती को बताया था कि ऐसा करने से, इस क्रिया से कोई भी स्त्री या पुरुष अपने रिश्तों को बचा सकती है। और वही मंत्र आज मेरे तक पहुँचा है और मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इस मंत्र को भोलेनाथ का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिएगा और सात्विक होकर इस पर आप प्रयोग करके देखिए कि यह आपके लिए काम करता है या नहीं। लगभग 15 साल पहले मैंने किसी को दिया था और तब से आज तक मैंने जिसको भी ये दिया है ये कभी खाली नहीं गया। और शाबर मंत्र है जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आपको 10,000 की संख्या में इसका जाप करना होगा। किसी भी मुहूर्त में अच्छा सा मुहूर्त देखिएगा उसमें कीजिएगा, और इसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग करने की विधि कुछ ऐसी है, सर्वप्रथम आपको जो है इसको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध होने के बाद आपको 7 दिन तक एक साधना करनी होगी। आपको जो सफ़ेद आँख होता है, सफ़ेद आँख का पत्ता लेकर आना है। 7 दिनों तक एक पत्ते पर इस मंत्र का आपको गुम्फन करना है। मतलब 7ों दिन अलग अलग पत्ते होंगे, लेकिन जैसे 7 दिन आप शुरू कर रहे, तो पहले दिन में एक पत्ता लीजिए और उसके ऊपर इसको 108 की संख्या में जाप कीजिए, और फिर ऐसे ही लगातार इसी क्रम में आपको 7 दिनों तक ये प्रक्रिया दोहरानी है। इस पर आपको 7 बार जो है, जो 7 जो पत्ते मैंने बताए हैं सफ़ेद आग के, उसके ऊपर 108 की संख्या में आपको मंत्र बोल देना है। जब 7ों पत्ते इकट्ठे हो जाएं, तो इनको जो है आम की लकड़ी के साथ जला दें। इसका छोटा सा होम करें, घी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, और इसके बाद जो है इसका छोटा सा हवन कीजिए। और हवन के पश्चात आपको जो भी आपकी कामना है वो कहनी है, कि जो तीसरी स्त्री है या फिर जो फला स्त्री है वो बीच से हट जाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपनी कामना को स्पष्ट कीजिएगा अग्निदेव के सामने। मंत्र है, सत्य नाम आदेश गुरु को, आक ढाक दोनों वन राई, अमुका अमुकी ऐसे करें जैसे कुकर और बिलाई। मंत्र एक बार फिर से, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूं। सत्य नाम आदेश गुरु को, आक ढाक दोनों वन राई, अमुका अमुकी ऐसे करें जैसे कुकुर और बिलाई। तो कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होने लग जाएगी दोनों में, ऐसा जो है ये मंत्र कह रहा है। अमुका की जगह पर आपको जो भी पुरुष है उसका नाम लेना है, और अमुकी की जगह जो भी स्त्री है उसका नाम लेना है। जिन जिन का आप यहाँ पर नाम लेंगे, उन दोनों के साथ कुछ ऐसा घटित होना शुरू हो जाएगा कि उनकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत गहरी वाली लड़ाई, ऐसी लड़ाइयाँ जो कि जिनका अंत ही नहीं है। ऐसा करने से चाहे कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उसको भी दूर किया जा सकता है। और मैं एक बार जोर देकर कहना चाहूँगा कि किसी भी अनिष्ट कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि शाबर मंत्र है, पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल सचेत होकर यदि आपको वास्तविकता में ही इस मंत्र का प्रयोग करना हो, तभी कीजिएगा, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। किसी योग्य गुरु से, किसी दक्ष गुरु से एक बार सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं विदेशन की, ये बैकफायर भी करती हैं। और जब इसकी साधना प्रारंभ करें, जब भी आप इसको एक बार सिद्ध कर लें, उस समय के पश्चात आपको किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, इन सब से परहेज करें। आपको सात्विक रहना है, सात्विक आहार लीजिएगा। भूल कर भी मांस, मदिरा, मीट, अंडा इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी जो साधना है वो भंग हो जाएगी। और एकाग्रचित होकर आपको इस मंत्र का स्मरण करना है, इसका ध्यान करना है। और किसी भी ऐसे मुहूर्त में जब सूर्य ग्रहण हो, दिवाली हो, होली हो, उस समय बैठकर इसकी 10,000 की संख्या में जाप कर लीजिएगा, तो यह सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, जिस तरह से बताई है बिल्कुल वैसे कीजिए। तो देखते ही देखते जो भी अमुक स्त्री है या पुरुष है, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, या फिर आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। मंत्र की अधिक जानकारी के लिए जाइएगा searchtops.com पर। धन्यवाद।